डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम। हम लोग अपना मिड फेशियल फ्रैक्चर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले कवर अप करेंगे मिड फेशियल एनाटॉमी को। प्लीज़ डोंट स्किप दिस पार्ट। कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मिड फेशियल एनाटॉमी में बेसिकली ये कुछ बोन्स के बारे में बता देंगे और बोन्स हमें पहले से ही पता है, वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक होता है स्कल में, ये मैक्सिला जाइगोमैटिक। प्लीज़ डोंट स्किप दिस पार्ट, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा कि जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हम लोगों को याद करने पड़ते हैं ना। अभी हम आगे लीफ फोर्टे टाइप 1, 2, 3 को ब्रॉडली पढ़ेंगे, तो उसमें हमें जितने भी क्लिनिकल साइंस हैं, जो भी सिम्टम्स हमें रटने पड़ते हैं ना, वो हमें रटने नहीं पड़ेंगे। क्यों हो रहा है वो सब, दिस इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन तब जब आप इस एनाटॉमी के लेक्चर को देखोगे। प्लस हम लोग इस एनाटॉमी को भी पार्ट बाय पार्ट कवर अप करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और हम लोग स्कल और कुछ इमेजेस प्लस हमारी बुक के कंटेंट को कवर अप करेंगे। जो बुक आपके पास में आप वो यूज़ करो, जो मेरे पास में है आई विल यूज़ दैट, बिकॉज कंटेंट इज मोस्टली द सेम। ये होता है कुछ बुक्स में कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा होता है, दिस इज़ द ओनली बेसिक डिफरेंस, समझ आना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टडी अबाउट द मिड फेशियल एनाटॉमी। सो हम लोग अपने बुक से कवर अप करना शुरू करते हैं। लेट्स रीड एंड देन वी आर गोना एक्सप्लेन। सो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली लाइन आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, दैट फ्रैक्चर्स ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस आर सीन लेस फ्रीक्वेंटली देन द फ्रैक्चर्स ऑफ मैंडिबल, हाउएवर द इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स। प्लीज क्लियर दिस लाइन, व्हाई इज इट सो। उसके कहने का मतलब है कि हमारे जो मैंडिबल का फ्रैक्चर है, जो मैंडिबुलर फ्रैक्चर टेंडेंसी है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिड फेशियल फ्रैक्चर्स से। ऐसा क्यों, उसका एक रीज़न है। ओके, लेट्स फोकस। ये देखो, मिड फेशियल फ्रैक्चर्स में उसने क्या बोला कि जो मिड फेस है हमारा, पहली बात तो आपको मिड फेस की बाउंड्री अगर मैं रैंडमली एक्सप्लेन करूं कि क्या होती है, ये हिस्सा आप कंपेयर करके चलो कि ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मिड फेस है। उसने कहा है कि एग्जैक्टली जो आपका मिड फेस है, इस मिड फेस में जो फ्रैक्चर्स हैं वो कंपैरेटिवली लेस होते हैं एज कंपेयर टू मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स। ऐसा क्यों, उसका रीज़न क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में है सारा फैट टिश्यू। नाउ होता क्या है, जब ये हमारा फैट टिश्यू होता है ना, ये हमें हेल्प करता है कि ये सारा का सारा जो फोर्सेस होते हैं ये ट्रांसमिट करने में, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि फेस के ऊपर कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ना, तो हमारी ये मिड फेशियल बोन्स जो है ये वीक होती हैं, ये फ्रेजाइल होती हैं, इजीली ब्रोकन होती हैं। लेकिन मैंडिबल के कंपैरिजन में जो हमारे फ्रैक्चर्स हैं, वो मिड फेशियल फ्रैक्चर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं मैंडिबल से। रीज़न कि यहाँ पर फैट टिश्यू है और ये फैट टिश्यू जो इस हिस्से में कवर करता है, यहाँ आपने देखा होगा जो क्यूट क्यूट से गाल होते हैं, वो बेसिकली हेल्प करते हैं सारे फोर्सेस को डिसिपेट करने में। आजकल हम लोग वो जो आपने लाइन पढ़ी है ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि आजकल मिड फेशियल फ्रैक्चर्स बहुत प्रोमिनेंट है। क्यों है प्रोमिनेंट, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, इसीलिए। दिस वॉज एक्चुअली अबाउट द इंट्रोडक्शन, दिस इज ऑल अबाउट योर स्कल। ओके, सो ये लाइन मेरी इजी थी एक्सप्लेन करना। अब हम बात करते हैं मिडिल थर्ड ऑफ द फेशियल स्केलेटन। मिडिल थर्ड ऑफ द फेशियल स्केलेटन इज डिफाइंड एज द एरिया बाउंडेड सुपीरियरली बाय अ लाइन ड्रॉन अक्रॉस द स्कल फ्रॉम जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर ऑफ वन साइड टू द अक्रॉस द फ्रंटो नेजल एंड फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर टू द जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर ऑन द ऑपोजिट साइड and inferiorly by the occlusal plane of the upper teeth and or you can say if the patient is edentulous by upper alveolar ridge posteriorly the region is demarcated by sphenoethmoidal junction but includes the free margin of pterygoid lamina of sphenoid bone inferiorly। इसे रटने की जरूरत है ही नहीं आपको, एक बार आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा, ट्रस्ट मी। हम इसको डायग्राम में चेक करते हैं, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किताब बंद करके भी आप लिख सकते हो। ओके, सो मिडिल थर्ड ऑफ फेशियल स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ एरिया बाउंडेड सुपीरियरली बाय अ लाइन ड्रॉन अक्रॉस द स्कल फ्रॉम जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर ऑफ वन साइड अक्रॉस द फ्रंटो नेजल एंड फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर टू द जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर ऑन द ऑपोजिट साइड। कॉमा है ना, हम भी लगा देते हैं कॉमा। ओके, नाउ फोकस हेयर कि ये कौन सी सुपीरियर बाउंड्री जो है उसकी क्या है। सुपीरियर बाउंड्री है उसकी कि एक लाइन एक्सटेंड करो,
कहाँ से एक्सटेंड करनी है, ये कौन सी बोन है, ये आपकी फ्रंटल बोन है, ये आपकी जाइगोमैटिक बोन है। जाइगोमैटिक बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जो आप ये स्यूचर देख पा रहे हो, ये है आपका जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर। ठीक है भाई, उसने क्या कहा है, जो हमारे मिड फेस का सुपीरियर बाउंड्री है वो कहाँ से जाती है, फ्रॉम द जाइगोमैटिको फेशियल स्यूचर ऑफ वन साइड, और फिर ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी इस तरह से। अगर मैं आपको पिन करके दिखाऊं कि एग्जैक्टली ये कौन सी है, ओके ये पिन्स आ गए हैं। सो एक लाइन पास होगी, ये लाइन कहाँ से पास होगी, आप ये लाइन चेक करो, ये लाइन पास होगी आपके जाइगोमैटिको, ये लाइन पास होगी आपके जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर से, पास होती हुई कहाँ से पास होती हुई, ये भी स्यूचर है राइट। अगर हम इस स्यूचर की बात करें तो ये है आपका फ्रंटोनेजल स्यूचर। क्यों है ये फ्रंटोनेजल स्यूचर, क्योंकि ये फ्रंटल बोन है और ये नेजल बोन है, तो ये है हमारा फ्रंटोनेजल स्यूचर प्लस, लेट मी फोकस, और ये है आपका फ्रंटो मैक्सिलरी स्यूचर। ये फ्रंटल बोन और ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला जो आ रही है, इफ यू कैन सी, ये आपका फ्रंटल बोन है और ये आपका फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है। इनके बीच में जो आपका स्यूचर होगा, फ्रंटल बोन के बीच में और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला के बीच में, ये है मेरा फ्रंटो मैक्सिलरी स्यूचर। तो फ्रंटो नेजल स्यूचर नेजल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में, और फ्रंटो मैक्सिलरी स्यूचर फ्रंटल बोन और मैक्सिलरी बोन के बीच में, ये वाला पार्ट प्लस सुपीरियर बाउंड्री कहाँ तक जा रही है, जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर ऑफ ऑपोजिट साइड। अब हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम करके, भाई मेरे सीधे हो जा, ये है मेरी लाइन, इफ यू कैन अप्रिशिएट। तो हमारे मिड फेस की सुपीरियर बाउंड्री है सुपीरियरली जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर ऑफ वन साइड, अ लाइन पासिंग मिड फेशियल एरिया का सुपीरियर बाउंड्री है, अ लाइन पासिंग फ्रॉम द जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर ऑफ वन साइड, पासिंग थ्रू और यू कैन से अक्रॉस द जाइगोमैटिको मैक्सिलरी एंड जाइगोमैटिको नेजल, राइट, जाइगोमैटिको नेजल एंड जाइगोमैटिको मैक्सिलरी स्यूचर टू द जाइगोमैटिको फेशियल स्यूचर ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी फ्रंटल की, आपके मिड फेस की सुपीरियर बाउंड्री। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं और कौन सी बाउंड्री बताई है उन्होंने, इसके बाद उन्होंने लिखा है एंड इन्फीरियरली बाय द ऑक्लूजल प्लेन ऑफ अपर टीथ, ओके इन्फीरियरली बाय ऑक्लूजल प्लेन ऑफ अपर टीथ। सो अब हम ऑक्लूजल प्लेन ऑफ अपर टीथ चेक करते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आपके पास ऐसी सब होना चाहिए यार, लेट मी गायब आउट ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सबको गायब कर देती हूँ। नाउ अगर मैं ऑक्लूजल प्लेन चेक करूँ तो ये है मेरा ऑक्लूजल प्लेन, ऑक्लूजल प्लेन राइट, दिस इज आर ऑक्लूजल प्लेन, आई कैन नॉट ड्रॉ अ प्रॉपर लाइन ओवर हेयर, जो आपके मोलर्स और प्रीमोलर्स की कस्प टिप को, ऑक्लूजल टिप को टच करते हुए और हमारे इंसाइजर्स की टिप, इंसाइजल एज को टच करते हुए जो लाइन पास होगी वो होगा हमारा ऑक्लूजल प्लेन। तो अगर हम उस लाइन को इससे कंपेयर करें या और इससे कोलैबोरेट करें कि सुपीरियर और इन्फीरियर बाउंड्री इसकी कौन सी है, तो ये बनी हमारी इन्फीरियर बाउंड्री। नाउ यू लुक एट दिस, ये लाइन थी हमारी सुपीरियर बाउंड्री, सुपीरियरली क्या था, सुपीरियर बाउंड्री थी मिड फेशियल एनाटमी में, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द जाइगोमैटिको फेशियल, जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर, फिर उसने कहा जाइगोमैटिको फ्रंटो मैक्सिलरी फ्रंटो नेजल एंड टू द ऑपोजिट साइड ऑफ जाइगोमैटिको फ्रंटल। तो ये तो आपका सुपीरियर बाउंड्री था, और इन्फीरियरली यू हैव दिस लाइन, और ये लाइन है हमारी ऑक्लूजल प्लेन की, ये जो लाइन है ये है हमारी ऑक्लूजल प्लेन की। सो दिस इज एक्चुअली द एरिया विच इज फॉर्मिंग द मिड फेस, ये आपका मिड फेस का बाउंड्री है। क्वेश्चन कम्स कि पोस्टीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, ये आपकी सुपीरियर बाउंड्री हुई मिड फेस की, ये इन्फीरियर बाउंड्री। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि पोस्टीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो अगर हम पोस्टीरियरली चेक करें, पोस्टीरियरली द रीजन इज डिमार्केटेड बाय द स्फीनोइथेमोइडल जंक्शन बट इंक्लूड्स द फ्री मार्जिन ऑफ टेरिगोइड लेमाइना ऑफ स्फीनोइड बोन इन्फीरियरली, ओके सो पीछे का एक पोस्टीरियर एक्सटेंशन इसका क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू।
होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि उसने पोस्टीरियर बाउंड्री में कहा है द रीजन इज डिमार्केटेड बाय अ स्फीनो इथेमोइडल जंक्शन. इफ यू कैन सी दिस इज योर स्फीनो इथेमोइडल जंक्शन. आई होप ये डायग्राम उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए था. दिस इज़ योर स्फीनोइडल साइनस. ये स्फीनो इथेमोइडल रिसेस है. एक्चुअली क्या होता है, स्फीनो इथेमोइडल रिसेस इज अ स्मॉल स्पेस और अ कैविटी. बेसिकली ये एक कैविटी होती है और इस कैविटी में आपका, आप नाम देखो, नाम क्या है इसका, नाम है स्फीनो इथेमोइडल. दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स हैं तो 100% दोनों का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा. स्फीनो इथेमोइडल रिसेस या स्फीनो इथेमोइडल जंक्शन बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक स्मॉल स्पेस है जो जहाँ पर हमारा स्फीनोइड साइनस प्लस इथेमोइड साइनस दोनों के दोनों, देर इज अ सॉर्ट ऑफ अ जंक्शन बिटवीन देम, द स्पेस इज, ठीक है. मोर ओवर दिस इज फॉर्मिंग द पोस्टीरियर मोस्ट एक्सटेंशन. ये हमारे मिड फेस का पोस्टीरियर एक्सटेंशन फॉर्म करता है. इफ यू लुक ऑन टू दिस, दिस इज फॉर्मिंग द पोस्टीरियर एक्सटेंशन. ये आपका पोस्टीरियर एक्सटेंशन इंक्लूड करता है. इसके अलावा अगर हम पोस्टीरियर एक्सटेंशन को कवर अप करें तो पोस्टीरियर एक्सटेंशन में हमारे पास में था, other than the sphenoethmoidal junction it also include the free margin of pterygoid lamina of sphenoid bone inferiorly. मतलब अगर हम लोग बात करें, okay, so मैंने अपना skull अलग अलग parts में ये divide कर दिया है. okay, so if you look on to this bone, I hope you can appreciate, आप सबको ये anatomy में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो भी कोई बात नहीं. if you can see, ये आपकी प्लेट्स हैं, ये आपको पता है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, इनके ये फ्री मार्जिन्स हैं. सो बेसिकली अगर आप एक्सटेंशन देखो कि पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर एक्सटेंशन जो है वो ऑक्लूजल प्लेन से जाता है और कहाँ तक जाता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्री मार्जिन ऑफ योर टेरिगॉइड प्लेट्स. टेरिगॉइड प्लेट किसकी टेरिगॉइड प्लेट होती है, ये आपके फ्री मार्जिन ऑफ टेरिगॉइड प्लेट हैं. मतलब अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो इन टेरिगॉइड प्लेट्स को भी इंक्लूड करेगा, राइट. दिस इज एक्चुअली द फ्री मार्जिन्स ऑफ योर टेरिगॉइड प्लेट. ये आपकी लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है, ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है, इनके फ्री मार्जिन्स को भी वो इंक्लूड करता है. सो नाउ लेट्स फॉर्म आउट कि एंटायरली उसने बोला क्या है. अगर हम बाउंड्रीज को चेकआउट करें तो उन्होंने कहा था कि जो सुपीरियर बाउंड्री है वो कहाँ से बनती है. सुपीरियर बाउंड्री बनती है हमारी जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर से एक्सटेंड करते हुए एक लाइन पास हो, जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर को पास करते हुए, सॉरी, जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर से एक लाइन स्टार्ट हो ऑफ वन साइड, पास करे फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर को, फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर को पास करते हुए फिर फ्रंटोनेजल सूचर को पास करते हुए फिर जो आगे लाइन जाएगी ऑपोजिट साइड की, जो जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर दोबारा, ये कंप्लीट लाइन फॉर्म करेगी हमारी मिड फेस की सुपीरियर बाउंड्री. उसके बाद में इन्फीरियरली हमने कहा था, इन्फीरियरली ऑक्लूजल प्लेन, एंड पोस्टीरियरली हमारे पास में क्या था, स्फीनो इथेमोइडल जंक्शन प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्री मार्जिन ऑफ योर टेरिकॉइड प्लेट. ठीक है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द फ्री मार्जिन ऑफ योर टेरिकॉइड प्लेट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारे पास द बेसिक bones constituting the middle third of the face. कौन कौन सी bones हैं? The following 8 paired bones and 2 unpaired bones constitute the mid third of your face. क्या क्या bones हैं हमारे पास भैया, list देख लेते हैं. 2 maxilla हैं, 2 palatine bones हैं, 2 zygomatic bones and their temporal processes, 2 zygomatic processes of temporal bone, 2 nasal bone, 2 lacrimal bone, the ethmoid bone and its attached concha unpaired, 2 inferior concha, 2 pterygoid plates of the sphenoid, the vomer bone which is unpaired. Okay, so अब हम इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास में सारी bones available हैं. हम लोग फटाफट सारी bones diagrammatically देख सकते हैं. So this is your nasal bone, I hope you can appreciate, this is your nasal bone, right? This is your maxilla, this bone is your maxillary bone. जो सारी की सारी एकदम white हो रही है. ओके, दिस इज द पार्ट व्हिच इज शोइंग योर मैक्सिला. ये मैक्सिला है, ये आपकी नेजल बोन है, ये आपकी जाइगोमैटिक बोन है. अच्छा, एक आपने पढ़ा है कि जाइगोमैटिक बोन में उसने क्या बोला, जाइगोमैटिक बोन में उसने बोला द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन. जाइगोमैटिक बोन की जो प्रोसेस टेम्पोरल, ये आपका टेम्पोरल रीजन होता है, ये आपकी टेम्पोरल बोन होती है, राइट.
या पढ़ते हो ना स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो जाइगोमैटिक बोन का जो प्रोसेस टेम्पोरल बोन की तरफ जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ योर जाइगोमैटिक बोन। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। सो दिस इज एक्चुअली द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ योर जाइगोमैटिक बोन। और टेम्पोरल बोन की जो प्रोसेस जाइगोमैटिक बोन की तरफ आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ योर टेम्पोरल बोन। मिड फेशियल में हमारे पास में ये दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों चीज़ें आएंगी हमारे पास में, राइट, जाइगोमैटिक बोन की टेम्पोरल प्रोसेस और टेम्पोरल बोन की जाइगोमैटिक प्रोसेस। ठीक है भाई, ये भी हो गया। इसके बाद में ध्यान से देख लो भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका डिमार्केट करता है लैक्रिमल बोन को। ठीक है, ये है आपकी लैक्रिमल बोन, ये है आपकी इथेमॉइड बोन, ये आपकी आई ऑर्बिट है। लेट मी फोकस अगेन, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये आपकी आई ऑर्बिट है। जो आगे वाली बोन है ये है आपकी लैक्रिमल बोन, राइट, ये वाला वाइट पॉइंट है आपका लैक्रिमल बोन। उसके बाद में उसके जस्ट पीछे जो आपका वाइट पॉइंट आएगा वो आएगा आपका इथेमॉइड बोन। सो दिस इज योर लैक्रिमल बोन, दिस इज योर इथेमॉइड बोन, राइट। एंड अगर आप फोकस करो पैलेटाइन बोन पे, तो ये है आपकी पैलेटाइन बोन, ये आपका मैक्सिला है, इसको सीधा कर देते हैं, और ये मैक्सिला आप देख रहे हो ना, ये अपर आर्च है, एंड ये है आपकी पैलेटाइन बोन। आई होप इट्स रियली क्लियर, पैलेटाइन बोन, राइट। और जो आपके पास में दो टेरिगोइड प्लेट होती हैं स्फीनॉइड बोन की, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट और ये लेटरल टेरिगोइड प्लेट। आई होप सो, ये आपको एनाटॉमी काफ़ी इस हद तक तो पता ही होगी, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट, ये लेटरल टेरिगोइड प्लेट, ये आपकी मीडियल टेरिगोइड प्लेट, ये आपकी लेटरल टेरिगोइड प्लेट। सो बेसिकली, और अगर आप देखना चाहो कि आपकी वोमर बोन कौन सी, ये है आपकी वोमर बोन, राइट, ये है आपकी वोमर बोन, दिस इज योर वोमर बोन। ये जो पॉइंट मार्क हो रहा है ना, दिस इज योर वोमर बोन। इसको अगर हम शॉर्ट करें, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी एग्जैक्टली वेयर इट इज शोइंग, सो दिस इज योर वोमर बोन। ये आपकी थी ना पैलेटाइन बोन, ये आपकी दोनों पैलेटाइन बोन थी ना, एंड हेयर इज योर वोमर बोन। ये वाइट मार्क जो पॉइंट हुआ है, ये है आपका वोमर बोन। सो बेसिकली बोन्स के बारे में आपको फिर भी काफ़ी आइडिया होता है कि कौन सी बोन कहाँ पर है। और मिड फेस में अगर आपके पास में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि दो मैक्सिला हैं, दो हमारे पास में पैलेटाइन बोन्स हैं, दो हमारे पास में जाइगोमैटिक बोन्स हैं, और उनके टेम्पोरल प्रोसेस हैं, दो हमारे पास में जाइगोमैटिक प्रोसेस हैं टेम्पोरल बोन के, दो हमारी नेजल बोन, टू लैक्रिमल बोन्स, द इथेमॉइड बोन, टू इन्फीरियर कॉन्का, टू टेरिगोइड प्लेट ऑफ स्फीनॉइड, एंड द वोमर अनपेयर्ड बोन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिड फेशियल स्केलेटन। प्लीज इस पर एक एक पॉइंट पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, सो डोंट मिस आउट, इट इज रियली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन। पार्ट टू हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिड फेशियल स्केलेटन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिड फेशियल स्केलेटन में हम लोग सारी लाइंस को फटाफट पढ़ेंगे और इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। द मिडिल थर्ड ऑफ द फेशियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कंसिडरेबल नंबर ऑफ बोन्स विच आर रेयरली फ्रैक्चर्ड इन आइसोलेशन। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है दैट जो आपका ये फेशियल स्केलेटन है, जो आपका ये मिड फेस है, आप खुद देखो ना कितनी सारी कॉम्प्लेक्स बोन से बना हुआ है, ये सिंगल बोन से नहीं बना, मैक्सिला है, जाइगोमैटिक बोन है, नेजल बोन है, एंड लैक्रिमल बोन है, इथेमॉइड बोन है। इफ आई कैन फोकस, अगर मैं आपको फोकस करके दिखाऊं तो ये मेरी लैक्रिमल बोन है और जस्ट इसके पीछे ये मेरी इथेमॉइड बोन है। सो कितनी सारी कॉम्प्लेक्स बोन्स हैं। तो जब हम मिड फेशियल फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कभी ये नहीं पढ़ते कि मैक्सिला फ्रैक्चर हुआ है या जाइगोमैटिक बोन फ्रैक्चर हुआ है। लीफ ओटे फ्रैक्चर्स में हमेशा ये फ्रैक्चर लाइंस मल्टीपल बोन्स को इंक्लूड करती हैं। खुद देखो ना यार कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। लेट्स मूव ऑन टू दी अहेड लाइन। ऑल दी बोन्स आर कंपेरेटिवली फ्रेजाइल एंड दे आर्टिकुलेट इन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फैशन। आर्टिकुलेट इन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फैशन मीन्स इनकी आर्टिकुलेशन देखो, क्या कोई बोन ऐसी है जो सीधी सीधी जुड़ी हुई है एक दूसरे से? आई मीन लाइक क्या कोई बोन आपको ऐसी नजर आ रही है
जो इस तरह से जुड़ी हुई है, सारी बोन्स कॉम्प्लेक्स फैशन में इस तरह से जुड़ी हुई है, कोई ऐसे जुड़ी है तो कोई ऐसे जुड़ी है, मतलब इनका आर्टिकुलेशन बहुत अलग तरीके का है। अगर ये बोन गई तो ये भी गई, इस तरीके से हम उसको बोल रहे हैं, राइट कि ये एक कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन है इसका। और बोन्स जो है ना कंपैरेटिवली फ्रेजाइल हैं, अगर हम लोग मैंडिबल के कंपेयर बात करें ना तो हमारे मिड फेस की जो बोन्स हैं वो बहुत इजीली टूट सकती हैं। टूटती क्यों नहीं है जल्दी कंपेयर जब मैंडिबल से करते हैं, क्योंकि ये जो फैट टिश्यू होता है इस एरिया में वो हमें हेल्प करता है, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई गोरे गोरे गालों पर काला काला तिल सॉर्ट ऑफ वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट पोर्शन ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस इज मेड अप ऑफ मैक्सिला व्हिच इज अटैच्ड टू द क्रेनियम एंड सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ बट्रेसेस। देखो यार, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ बट्रेसेस है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हम अभी देंगे। स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ बट्रेसेस का क्या मतलब था, जब हम लोग घर बनाते हैं, जब आप कभी किसी आर्किटेक्ट को बुला के लाओगे और अपना घर बनाओगे ना, तो यार जब भी वो आपके घर पे बोलते हैं ना लेंटर, क्या बोलते हैं लेंटर डला है, तो वो जब लेंटर डालता है ना, जब वो छत बिछाता है, उसके पहले वो पिलर्स बनाता है। ये जो पिलर्स होते हैं ना, जो ये हमारे फेस के पिलर्स होते हैं, जो सारे फोर्सेस को ये डिसिपेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ये जो पिलर है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, ये पिलर्स से ही हमें एक्चुअल स्ट्रेंथ मिल रही है, इन फेशियल पिलर्स को। ये जो फेशियल पिलर्स है कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, उसकी टेंशन मत लो अभी, वो हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो हमारे फेशियल पिलर्स होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ बट्रेसेस, इन्हें हम लोग बट्रेसेस बोलते हैं, राइट। मोर ओवर उसमें इसमें एग्जैक्टली और क्या लिखा हुआ था, कि उसने कहा था कि जो हमारा मैक्सिमम एरिया है मिडिल थर्ड का, वो कौन सी बोन बनाती है, वो बनाती है हमारी मैक्सिला। सो एक्चुअली क्या होता है कि जब सपोज आपकी ये नेजल बोन है, इसको मैं घुसा मारूं, सो एग्जैक्टली क्या होगा, इसको घुसा मारूंगी, ये बोन बाहर तो आएगी नहीं, ये बोन तो अंदर जाएगी। सिमिलरली जब हम लीफ ओटे फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उन फ्रैक्चर्स में जब कोई भी बोन को हम हिट करते हैं तो वो बोन अंदर की तरफ मूव करती है, इनवर्ड की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से अगर हम लेटरल प्रोफाइल देखें, लेटरल प्रोफाइल मतलब इसको साइड में करा ना, हमने चेक करा लेटरल प्रोफाइल, तो वो इस तरह से आएगी। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ये इमेज देखो, ये इसकी लेटरल प्रोफाइल देख सकते हो इस तरह से, ये इसका कॉनकेव प्रोफाइल हो गया है, डिश की तरह हो गया है, जबकि ये प्रोफाइल कैसा है और इसका प्रोफाइल चेक करो तो ये डिश फेस डिफॉर्मिटी है और ये स्ट्रेट प्रोफाइल है। ये एक्चुअली उस लाइन के कहने का मतलब था। The composite structure of these complex bones is designed to withstand the force of mastication below and provide protection to the vital structures, eyes, brain. मैंने पहले भी कहा है कि इसके ऊपर जो डिजाइनिंग है, जो हमारे मिड फेशियल एनाटमी में हम पढ़ रहे हैं, उसमें मिड फेशियल बोन्स की जो ओरिएंटेशन है, मिड फेशियल बोन्स का जो आपस में कॉम्प्लेक्स है, वो जो कॉम्प्लेक्स बना है वो इस तरह से अरेंज है कि जितने भी मास्टिकेशन के टाइम पर, चबाने के टाइम पर जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, उन वर्टिकल फोर्सेस से कोई बोन पर्टिकुलर डैमेज ना हो, राइट। लेकिन अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कोई एंटीरियर लग रहा है, कोई लेटरली उसको घूसा मार रहा है, तो वो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, और फ्रैक्चर होने का मतलब है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है किसको, आईज को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, जो सॉफ्ट टिश्यूज वहां पर प्रेजेंट है, जिनका डैमेज होना हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। This type of structure is able to withstand considerable amount of force applied in vertical manner. Same चीज़ हमने पढ़ी, किसी और direction से होगा, anterior, superior, lateral aspect से लगेगा तो life threatening situation हो जाएगी, अगर in direction से लगेगा तो bone flop हो जाएगी, bone fracture हो जाएगी। The fascian bone as a whole have a very low tolerance. ठीक है, द nasal bone, अच्छा पता क्या है, सबसे पहले आप याद रखना कि अगर आपने देखा हो nasal bone हो, जायगोमैटिक बोन हो, मैक्सिलरी बोन हो, ये सारी की सारी बहुत सेंसिटिव बोन्स हैं, बड़ी जल्दी टूट जाएंगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू ये आपकी जो मिड फेशियल है ना आपका, ये वाली जो बोन्स हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत तगड़ी बोन्स हैं, सिर्फ इन्हें फोर्स को डिसिपेट करना आता है, इन्हें फोर्स को बांटना आता है जब इनके ऊपर फोर्सेस लगते हैं वर्टिकल डायरेक्शन से। लेकिन जब इनके ऊपर फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से या लेटरल डायरेक्शन से या कोई भी आड़ी तिरछी डायरेक्शन से, तो फिर ये फ्रैक्चर हो जाती हैं, राइट। एक ये जो एक ये लाइन है ना,
मैं आपको इस लाइन के बारे में बताना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, प्लीज़ मैं इसको रीड करके इसको बोर्ड पर ड्रॉ करके बताऊंगी एंड आप इसको ध्यान से पढ़ना। इफ़ द बोन्स कंप्राइजिंग द मिडिल थर्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्कल, इट हैज बीन सीन दैट द फ्रंटल बोन एंड द बॉडी ऑफ स्फीनॉइड फॉर्म एन इंक्लाइंड प्लेन विच स्लोप डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम द फ्रंटल बोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ऑक्लूजल प्लेन ऑफ अपर टीथ। द बोन्स ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द फेशियल स्केलेटन आर्टिकुलेट विद द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बोन and when fracture occurs they are crushed or sheared off the cranial base, there is slight movement of slight amount of backward but marked downward displacement, steep slope because of the steep slope of the base of the skull, this results in premature gagging of posterior teeth of the maxilla with the mandibular one, causing the anterior bite and lengthening of the face, and in extreme cases the soft palate may be pushed down। बहुत कुछ लिखा है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली इसने लिखा क्या है। तो उसमें लिखा क्या है लाइन में, देखो ये मेरा बेस ऑफ स्कल है, राइट, जो आपको डायग्राम है, यहाँ उन्होंने मेरे माचिस की डिब्बी को लगा रखा था, ये मेरी सारी मिड फेशियल बोन्स थी, और यहाँ पर सपोज मेरा अपर टीथ का ऑक्लूजल प्लेन है, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड्री कौन बनाता है, ऑक्लूजल प्लेन ऑफ अपर टीथ। तो उसने कहा है अगर हम सारी की सारी मिड फेशियल बोन्स को हटा दें, यानी कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा दूँ, लेट मी इरेज इट, तो उसने कहा है कि जो हमारा क्रेनियम है उसका बेस और जो हमारा ऑक्लूजल प्लेन है, ये जो मेरा ऑक्लूजल प्लेन होगा, इनके बीच में जो एंगुलेशन है वो होता है 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का। और जो हमारी ये माचिस की डिब्बी थी ना, जो हमारे ये मिड फेशियल बोन्स थे, ये सारे के सारे मिड फेशियल बोन्स, ये क्रेनियम बेस और यहाँ हमारा बॉडी ऑफ स्फीनॉइड बोन होती है ना, इनके सहारे पर होता है। अब क्या होता है यार, जब हमारा मिड फेशियल बोन, जब हमारी यहाँ पर जो मिड फेशियल बोन्स हैं जो बेचारी इनके सहारे हैं, जब ये फ्रैक्चर होती हैं तो मिड फेशियल बोन्स फ्रैक्चर होने पर डाउनवर्ड, अब आप क्रेनियम बेस देखो तो इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमारी मिड फेशियल बोन्स फ्रैक्चर होंगी तो वो फ्रैक्चर होके, क्योंकि वो इनसे अटैच थी, इनके अटैचमेंट की वजह से उनका मूवमेंट कैसा होगा, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, राइट। ये आपको हली फोर्टे 1, 2, 3 तीनों में आएगा कि जब मिड फेशियल फ्रैक्चर में बोन्स टूटती हैं तो वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड क्यों मूव करती हैं, वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड इसलिए मूव करती हैं क्योंकि जो हमारा क्रेनियम बेस है, जो हमारा बॉडी ऑफ स्फीनॉइड है, इसका एंगुलेशन ऑक्लूजल प्लेन के साथ में 45 डिग्री का है, और ये 45 डिग्री के एंगुलेशन की वजह से, क्योंकि ये मिड फेशियल बोन्स इनसे अटैच होती हैं, जब ये फ्रैक्चर होती हैं तो क्योंकि इनसे अटैचमेंट रखती हैं इसीलिए ये बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिसकी वजह से टिपिकल डिश फेस डिफॉर्मिटी होती है, आपका फेस इस तरह से नज़र आएगा। प्लस इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कई बार क्या होता है, अब आप देखोगे ये आपका मैग्जिला, ये आपका मैंडिबल, ठीक है, ये आपका मैग्जिला मैंडिबल का प्रॉपर अटैचमेंट हो रहा था। अब क्या होगा बेसिकली, क्योंकि आपका ये मैग्जिला ब्रेक होने के बाद में बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इनका क्या होगा, इनका प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट होगा, और प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट की वजह से जो ये आगे के दांत उड़ जाए, पीछे के दांत जल्दी मिल जाएंगे और आगे के दांत ऊपर उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से जब मिड फेशियल फ्रैक्चर्स होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें एंटीरियर ओपन बाइट नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जब मेरा एंटीरियर ओपन बाइट क्यों हुआ, जब मेरा मैग्जिला टूटा, जब मेरी मैग्जिलरी बोन टूटी तो मेरा जो मैंडिबल के साथ में उसका इंटरेक्शन था, जब मेरा मैग्जिलर बोन टूटा तो टूटने के बाद वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, तो उसका मैंडिबल के साथ में पहले यहाँ होना था ना अटैचमेंट, अब बिल्कुल ही यहाँ पर अटैचमेंट हो गया, तो पोस्टीरियर तो जल्दी कॉन्टैक्ट में आ गए लेकिन एंटीरियर वाले जो थे वो एक दूसरे से उठ गए, दूर हो गए, तो उसमें हमें नज़र आता है एंटीरियर ओपन बाइट। प्लस इस एंटीरियर ओपन बाइट की वजह से हमारे जो फेस की लेंथ है पेशेंट में वो भी बढ़ जाएगी। सो ये सारा सिनेरियो किस वजह से हो रहा है, ये सारा सिनेरियो इस एंगुलेशन की वजह से हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ उसको भूलना मत। प्लस हम लोग बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को
एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है, उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है ना, कई बारी वो हमारी जीभ के साथ में कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। मैक्सिला टूटा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिला हमारा टूटा। जब हमारा मैक्सिला टूटा, उसका जो सॉफ्ट पैलेट है, पीछे का हिस्सा हमारा पैलेट का होता है ना, पीछे सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट जब हमारे टंग की सरफेस पर टच करेगा तो उसका एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सांस लेने में उसे दिक्कत होती है। दिस इज द रीजन। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स को याद करने में ये हमें हेल्प करता है। आफ्टर दिस हमारे पास में इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें चेक करो, ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये हमारा नेजल सेप्टम टूटा हुआ है, ये हमारी नेजल बोन फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से नेजल सेप्टम अपनी जगह से, नेजल सेप्टम एक पतला सा म्यूकस सा लेयर है, एक सेपरेशन है, वो सेपरेशन जब डैमेज हो जाता है तो क्या है, कोई भी इन्फेक्शन इस पैसेज से पैरानेजल साइनसिस तक जा सकता है। यानी कि इट इज़ वेरी कॉमन कि फ्रैक्चर के बाद में इन्फेक्शन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इन्फेक्शन को रास्ता मिल गया जाने का, राइट। आफ्टर दिस एक चीज़ और, आफ्टर दिस मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि पेशेंट में डिप्लोपिया होता है। डिप्लोपिया मतलब पेशेंट कहेगा कि मुझे हर चीज़ दो दो नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑर्बिट होती है ना, जो हमारी आई ऑर्बिट होती है, आई ऑर्बिट की अगर आप मीडियल वॉल देखो और अगर आप लेटरल वॉल देखो, तो वो मैक्सिमम मिड फेशियल बोन्स बना रही है। अब इनका तो फ्रैक्चर हुआ है, ये तो फ्रैक्चर में इन्वॉल्व है, तो बेसिकली फ्लोर और मीडियल वॉल ये तो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि एक लिगामेंट होता है आई बॉल के नीचे, हमारे एक लिगामेंट होता है, इसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड। आप यहाँ पर देखो, ये आपकी आई बॉल है और दिस इज दिस सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी आई बॉल की वर्टिकल स्टेबिलिटी के लिए। अब ये कहाँ है, आप देखोगे ये फ्लोर एरिया में है, और जैसे ये फ्लोर और मीडियल वॉल हमारी डैमेज होती है, ये नीचे की तरफ मूव करता है, क्योंकि फ्रैक्चर के बाद में बोन्स बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, क्योंकि हमारी आई बॉल की वर्टिकल स्टेबिलिटी मेंटेन वाले स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, इसीलिए पेशेंट को डिप्लोपिया की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को डबल विजन नज़र आने लगता है, मतलब हर चीज़ दो दो नज़र आने लगती है उसको। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए कि जो आपकी नेजल कैविटी है, सॉरी, जो आपकी ऑर्बिट है, राइट, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर आपके पास मीडियल वॉल में इथेमोइड बोन है। आपने अगर अपना स्कल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको और फोकस करूँ तो ये है हमारा क्रिस्टा गैलाय और ये है हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमोइड बोन। अगर हमारी इथेमोइड बोन फ्रैक्चर्ड है तो इथेमोइड बोन के फ्रैक्चर की वजह से कोई भी इन्फेक्शन ईजिली एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमोइड बोन से एंटर कर सकता है, राइट, फोकस ही नहीं हो रहा, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमोइड बोन से एंटर हो सकता है, और कोई भी इन्फेक्शन पहली बात तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आ सकता है, प्लस यहाँ से CSF ड्रेन करता है और पेशेंट की नाक से CSF बाहर आता है, राइट। पेशेंट की नाक से क्या बाहर आएगा, पेशेंट की नाक से CSF बाहर आएगा, और उसको पता लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब आप पेशेंट को बोलोगे कि तुम लेट जाओ या थोड़ा सा उसको लाइट डाउन करोगे तो वो उसको स्वालो करेगा, ठीक है, जो उसकी नाक से सिक्रीशंस जा रही थी वो नेजोफैरिंक्स के थ्रू जब जाएंगी और वो उसको स्वालो करेगा, तो स्वालो करने पर उसको सॉल्टी टेस्ट आएगा, राइट, कैसा आएगा, सॉल्टी टेस्ट आएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, प्लस ब्लड सप्लाई हमारे मिड फेशियल बोन्स की काफ़ी अच्छी होती है। सो इसके अलावा हम लोग मिड फेशियल एनाटमी में बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, और अब हम फटाफट से हमने जितने भी डायग्राम्स अभी देखे हैं उनको फटाफट एक रिव्यू देंगे। तो ये इमेज हमने देखी थी डिश फेस डिफॉर्मिटी के बारे में, कि कभी भी अगर किसी को चोट लगती है मिड फेशियल फ्रैक्चर में तो उसकी जो लेटरल प्रोफाइल है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ इस इमेज में, आपको अच्छा नज़र आएगा, लेटरली आपको ऐसी नज़र आनी चाहिए कि फेशियल प्रोफाइल, जैसे मैंने आपको स्कल की दिखाई थी, लेकिन इसकी कैसी है, इसकी ऐसी है, इसकी फेशियल प्रोफाइल, आप डिश, पता क्या है, डिश जिसमें आप खाना खाते हो यार, वो वाली डिश जिसमें आप सूप वो पीते हो, कैसी होती है उसकी फेशियल प्रोफाइल, ऐसी तो होती है, ये फेशियल प्रोफाइल इसकी ऐसी है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर डिश फेस डिफॉर्मिटी, ठीक है,
इसके अलावा हमने ये डायग्राम तो हमने देखा ही नहीं, लेकिन इसका एसेसरी डायग्राम, इसका फालतू वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड बेसिकली जो आई बॉल की वर्टिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब हमारी आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल और लेट फ्लोर ऑफ आई ऑर्बिट, क्योंकि आपकी जो मीडियल वॉल है, जो फ्लोर है ऑर्बिट का, वो मिड फेशियल बोन्स बना रही है, जब उनका फ्रैक्चर होता है तो बेसिकली वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से आई बॉल की वर्टिकल स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। और आई बॉल की वर्टिकल स्टेबिलिटी जब अफेक्ट होती है इस लिगामेंट के डैमेज से, तो बेसिकली क्या होता है, पेशेंट सफर्स फ्रॉम डिप्लोपिया, डबल विजन नज़र आता है, हर चीज़ें दो दो नज़र आती हैं। ओके, ये डायग्राम हमने नहीं देखा है, लेकिन ये डायग्राम इतना मुश्किल नहीं है। दिस इज़ द नेजल सेप्टम, इस डायग्राम में कुछ है ही नहीं, जब देखा ही नहीं तो। यहाँ हमने देखा स्फीनोइथेमोइडल रिसेस, स्फीनोइथेमोइडल रिसेस या फिर स्फीनोइथेमोइडल जंक्शन बेसिकली क्या था, पोस्टीरियर और सुपीरियर एक्सटेंशन हमारे मिड फेशियल अनाटमी में हमने क्या पढ़ा था कि पोस्टीरियरली इट एंड अप टू द स्फीनोइथेमोइडल रिसेस और स्फीनोइथेमोइडल जंक्शन, जो बेसिकली क्या है, एक छोटी सी कैविटी है हमारी नेजल, एक छोटी सी कैविटी है हमारी नोज के अंदर, जहाँ पर स्फीनोइड और इथेमोइडल दोनों साइनसेस बेसिकली मिलते हैं, राइट right? तभी तो उनको जंक्शन बोला है और रिसेस बोला है। आफ्टर दिस ये हमने नहीं देखा, ये हमने क्यों नहीं देखा, ये हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये हमारा सुपीरियर मिएटस है, ये हमारा सुपीरियर कॉन्का है, मिडिल कॉन्का, इन्फीरियर कॉन्का, दिस इज, दीज आर द कॉन्का एंड दीज आर द मिएटस। ओके, ये हमने क्या बताया, ये है हमारा जाइगोमैटिको फेशियल स्यूचर, जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर। हमने ये वाला जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर कहाँ पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि सुपीरियर बॉर्डर किससे होना चाहिए, यहाँ से जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर से पास होते हुए फिर ये हमारा फ्रंटो नेजल और फ्रंटो मैक्सिलरी स्यूचर और दूसरी साइड के जाइगोमैटिको फ्रंटल स्यूचर तक जाता हुआ। फिर ये डायग्राम हमने दोबारा वही देखा, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आई बॉल ऑफ लॉकवुड, ये बहुत ज़रूरी है आय की वर्टिकल स्टेबिलिटी के लिए। और आप इसकी पोजीशन देखो ना, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है और जैसे ही इसके मीडियली जो मीडियल वॉल आई ऑर्बिट की मिड फेस की मीडियल वॉल जो है ऑर्बिट की, वो हमारी मिड फेशियल बोन्स बना रही हैं, फ्लोर इसका मिड फेशियल बोन्स बना रही हैं, तो जब वो फ्रैक्चर होंगी तो ये तो अपने आप इसकी जगह अफेक्ट हो जाएगी, अपने आप इस लिगामेंट की पोजीशन इंटरप्ट होगी, ख़राब होगी इसकी, तो क्या है, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्लोपिया, डिप्लोपिया से सफर करना पड़ता है। और डिप्लोपिया का मतलब होता है डी फॉर डिप्लोपिया, डी फॉर डबल विजन, डी फॉर डिप्लोपिया एंड डी फॉर डबल विजन, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। एंड ये हमने एक टूटी फूटी नाक देखी थी, एक फ्रैक्चर्ड नाक का डायग्राम है। एंड विद दिस मेरी इमेजेस खत्म होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो रिविजन के लिए आप हमारी डिस्कशन वीडियो चेकआउट करो, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, सिर्फ इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, कंटेंट हमने दोनों में सेम डिस्कस करा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हेल्प अस टू इंक्रीज आर सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कम अगैन, हम लोग आगे की एनाटमी और आगे के फ्रैक्चर्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।